भाई सारा ने अपने एक और नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। सुबह के बज गए 6:30 और ये मेरा छोटे वाला बेटा गले में लग गया साइकिल चलाने, नहीं तो कभी भी इस टाइम नहीं उठता है, क्योंकि इसको जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन तो बहुत हाथ पैर जड़वाता है हमसे, उठ जा। आज बगैर ही बोले उठ के गली में निकल गया और अपना साइकिल चलाने लग गया गली में। अब मैं ऊपर आ गई क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, इनको धोना है। सुबह सुबह ही आ गई मैं कि साथ के साथ कपड़े धुलते रहेंगे और नीचे काम करती रहूँगी, बार बार नीचे आना ऊपर जाना करना पड़ेगा। आज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा मेरा। अब मैं आपको अपने गमले दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने मेथी लगाई थी, देखो मेरी मेथी गमलों में हो गई है। अब ये थोड़ी थोड़ी लगाई है मैंने, आधे गमलों में लगा दी है, ये मेरी सर्दियों में बहुत काम आएगी, कभी रोटी में डालने में, कभी कुछ मेथी में घर में। अब एक दिन लगाऊंगी चने भी लगा दूंगी, ताकि चटनी वट्टी बनाने में चने भी बहुत यूज में आएंगे हमारे। ये गमले बहुत सारा हमें फ़ायदा करते हैं। और ये बैंगन भी तैयार हो गए हैं सब्जी के लिए, अब एक दिन को तोड़ के सब्जी बना लूँगी। और ये मेरा मेहंदी का पेड़ है बड़े वाला, एक छोटे वाला छोटे गमले में है, इसको गांव में खेत में लगा देंगे, ये बहुत यूजफुल होती है मेरे लिए। अब मैंने मशीन में पानी डाल दिया है, साथ के साथ मशीन में पानी डालता रहेगा। और इसमें कपड़े डाल के फिर मैं अपना, और छत पे रस्सी पे थोड़े से कपड़े पड़े हैं जो मैंने कल धोए थे, उनको उतार के एक साइड कर दूँगी, क्योंकि अब मैं जो कपड़े धोऊँगी उनको भी डालना है। तो ये मेरे सूखे हुए हैं, कल धोए थे मैंने, अब इनको उतार के एक साइड में रख दूंगी और जो धोऊंगी उनको साथ के साथ डालती रहूंगी। इन रस्सियों को खाली कर देती हूँ अब मैं। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे भी बैठे हैं बच्चे, आज स्कूल नहीं गए तो उनको कुछ नया खाने को चाहिए, और दिन तो अपना दूध पीते हैं और स्कूल चले जाते हैं, आज बोल रहे हैं आज दूध के साथ कुछ दो। तो अब मैं जा रहा हूँ, ये मेरा ऊपर से नज़ारा देखो कितना नीचे है गली छत से। अब मैं जाके नीचे बच्चों की खाने की तैयारी करूँगी, थोड़ा बहुत नाश्ता ले लेंगे, फिर दिन में बनाऊँगी रोटी उनके लिए। अब मैंने ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया है, बोले आज ब्रेड टोस्ट बना दे मम्मी, तो मैंने ब्रेड मंगाया। ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर है, मिर्ची है, ये प्याज, खीरा और बटर है। इससे मैं बटर से ही हमेशा ब्रेड को बनाती हूँ। अब मैं ब्रेड में पहले सबसे लगा दूँगी, एक ब्रेड पर तो लगाऊँगी बटर, और एक ब्रेड पे लगाऊंगी शेजवान सॉस, वो भी मैं रखती हूँ, कभी कभार बच्चे उसको रोटी में लगा के ऐसे भी रोटी खा लेते हैं। तो अब मैंने लगा दिए ये साइड से, मैंने इन सब पे अपनी हरी चटनी छिड़क रखी है सारी सब्जियों पे, जैसे टमाटर, खीरे, सब पे। और मैंने ऊपर से लगा दिया चाट मसाला, और इस पे लगाऊंगी शेजवान सॉस लगा के इसको बंद करके बटर लगा के इसको सेक दूँगी, और साथ साथ बच्चों को दूध भी पिला दूँगी अपना। फिर दोपहर तक मैं अपना काम करती रहूँगी, और मुझे फिर बार बार परेशान नहीं करेंगे कि मम्मी ये दे वो दे, क्योंकि मैंने ऊपर भी आना है, ऊपर भी मेरा काम बहुत पड़ा है। आज 4-5 दिन में मशीन लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर आने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। ऊपर जाऊँगी कपड़े धोने हैं, फिर रह जाती हूँ, सोचती कल धोऊँगी, कल आऊँ, फिर कल सोचती हूँ कल जाऊँगी, क्योंकि कपड़े इतने होते हैं कि बच जाती है कपड़ों में, इसलिए इतना धोने की वो नहीं पड़ती। जब टाइम लगता है तभी आके अपने ऊपर कपड़े धोती हूँ। अब बन गए हैं बच्चों के ब्रेड, उनको दे दूँगी। इसमें टोस्टर में ब्रेड बिल्कुल लाल और क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैं ये रखती हूँ। अब दूसरे वाला मंगवाऊँगी जो बिजली से चलता है वो वाला, उसमें और भी अच्छे हो जाते हैं, इसमें भी इससे अच्छा उसमें बनता है, पर अभी नहीं है तो इसी से ही काम चला रही हूँ अभी मैं अपना। अब बन गया है मेरा ब्रेड टोस्ट, देखो कैसा बिल्कुल लाल सिख जाएगा। वैसे तवे पे सेकने में नहीं बनता है, क्योंकि वो इधर उधर गिरता ही है, इसको बंद कर देती हूँ, सब कुछ अंदर पैक होके सब कुछ पक जाता है अच्छे से, क्योंकि खीरा है, जो प्याज है, सब नरम नरम से हो जाते हैं अंदर इसके रुक के। और ये बन गया मेरा, देखो। अब मैं अपनी चादर बदलूँगी बेड की, क्योंकि मशीन चल रही है, तो ये भी आज धो देती हूँ। और दूसरी लगा दी मैंने चादर अपनी बिछा दी है। अब देख रही हूँ किधर से निकली हुई किधर से नहीं, अब ये लगा दिए मैंने तकिए। अब मैं आ गई अपना ऊपर, क्योंकि जो कपड़े मशीन में धोने के होते हैं वे मशीन में ही धोती हूँ। जो ये बैग है, बैग में कभी मशीन में नहीं धोती, क्योंकि इनकी चैन ख़राब हो जाती है, फिर घूमते रहो, चैन ठीक करानी है। इसके पापा का आ गया फ़ोन, आखिर रोटी मत बनाना,
मैं कुछ ला रहा हूँ, ला रहा हूँ क्या मतलब सुखदेव ढाबे के परांठे। अब मेरा आधा काम तो हो गया है, अब रोटी बनानी नहीं पड़ेगी, मेरा काम हो जाएगा जल्दी। अब मैं जाके नीचे नहा लूँगी, ये सारी मेरी चुंदड़ियाँ हैं, मैं चुंदड़ियाँ ही ओढ़ती हूँ काम करती हूँ तब। राम राम सारे ने।